रहता है। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ मेरा स्किन केयर, एवरीडे स्किन केयर, मैं कैसे अपने फेस को क्लीन करती हूँ। तो सबसे पहले तो फेस वॉश से अपना मुंह बहुत अच्छे से धो लेना है, तो फेस वॉश यूज़ करेंगे हम पहले। एवरीडे हमें 2 टाइम्स फेस वॉश से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बार फेस वॉश लेते हो तो दूसरी बार बेसन के साथ बहुत अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लेना है। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी फेस स्क्रबर, तो अच्छे से स्क्रब कर लूँ। स्क्रबर यूज़ करने के पहले अपने मुंह फेस वॉश बहुत अच्छे से साफ कर लेना है, धूल मिट्टी ना रहे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने हाथों में स्क्रबर को लेकर अच्छे से पहले ऐसे डॉट बना लेना है। डॉट बना के फिर हल्के हाथों से आपको अपना फेस मसाज करना है, हल्के हाथों से। अगर आपको सूखा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी, मेरे यहाँ पे और यहाँ पे बहुत वाइट हेड्स होते हैं, तो मैं अच्छे से उनको साफ करूंगी। आप चाहो तो ऐसे अपने गले के साथ कर सकते हो, पर अभी मैं नहीं करूंगी, मैं बाद में करूंगी। एकदम हल्के हाथों से अपने फिंगर्स के मदद से, उन फिंगर्स में मैजिक है। इसके साथ साथ मैं क्या करती हूँ, एक छोटा सा टिप, मैं अपने लिप्स को भी कर लेती हूँ और अपने उंगलियों को भी बहुत अच्छे से कर लेती हूँ मसाज। मेरे जॉइंट में, उंगलियों के जॉइंट में, ये जो फिंगर्स के नेल्स हैं वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से इनको भी स्क्रैप कर लेती हूँ। तो मेरे हाथ में अपने फेस के साथ साथ मैं अपने हाथों का भी और लिप्स का भी स्क्रैप कर लेती हूँ। जल्दी से एक काम में 3 काम हो जाता है। आप जैसे देख सकते हो फेस का ग्लो एकदम बढ़ गया है, मुझे नहीं पता आप देख सकते हो कि नहीं, पर स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं। और मेरे हाथ भी बहुत साफ हो गए हैं और लिप्स तो मतलब सच में मैं ग्लेज कर रही हूँ, मुझे अपनी ही नज़र ना लग जाए। तो इसके बाद का स्टेप है, मैं क्लिंजर यूज़ करूँगी। उसके लिए क्या करूँगी, एक कॉटन पैड लूँगी। हमें हफ्ते में 2 बार स्क्रैप करना चाहिए, मतलब मिनिमम, क्योंकि जो पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं उन्हें तो करना ही चाहिए, और जो मतलब घर पे भी रहते हैं हम, किचन वगैरह में रहते हैं, फिर बाहर की धूल मिट्टी थोड़ी तो आई जाती है, क्लीनिंग डस्टिंग का काम भी करते हैं जब, तो हमें हफ्ते में 2 बार हर किसी को स्क्रैप करना चाहिए। ये लड़कों के लिए भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि उनकी स्किन भी रफ एंड टफ होती है, तो उन्हें भी अपने स्किन का ख्याल रखना चाहिए। तो जैसे मैं कॉटन पैड के साथ उसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लिप्स हमारे पूरे फेस में मुस्कुराने में मदद करता है और हमें खुश दिखाने में मदद करता है, तो लिप्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उंगलियों का भी बहुत अच्छे से मैं एक साथ कर लेती हूँ, क्योंकि यार हम लोग एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। हमें फेस को हर टाइम और फिर ऐसे रब कर कर ऐसे पूछना चाहिए, ठीक है, ऐसे 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 मत पूछना, ऐसे जैसे पानी अपने आप ही सूख कर ले। तो फेस तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया, मतलब इतनी मुलायम लग रही है ना, क्या बताऊँ, फेस क्लीन हो गया। अब मैं यहाँ पे रोज़ वाटर यूज़ करूँगी।